अभी अभी क्रिकेट जगत से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को वनडे और T20 फॉर्मेट की कप्तानी से हटाया जा सकता है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और मेरा नाम है आजम अंसारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 सालों से विराट कोहली का क्रिकेट में काफ़ी बुरा दौर चल रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि पिछली 50 पारियों में विराट कोहली ने एक भी शतक नहीं लगाया है। वो जब भी मैदान पर उतरते हैं तो भारतीय फैंस यही कामना करते हैं कि इस बार विराट कोहली के बल्ले से कोई लंबी पारी देखने को मिलेगी, लेकिन उन्हें मैदान पर एक एक रन बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी को देखते हुए BCCI एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने वाली है। BCCI के सूत्रों के मुताबिक हमें यह मालूम पड़ा कि विराट कोहली को T20 और वनडे फॉर्मेट की कप्तानी से हटाया जा सकता है और उनकी जगह पर बेहतर दावेदार रोहित शर्मा को माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विराट कोहली ने इस मामले पर रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट से लंबी बातचीत की है। विराट कोहली कप्तानी छोड़ने की घोषणा खुद करेंगे। विराट कोहली का मानना है कि उन्हें अपने बल्लेबाजी पर फोकस करने और दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज बनने के लिए कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। विराट कोहली कहते हैं, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के दबाव के चलते बल्लेबाजी पर काफ़ी असर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि सभी फॉर्मेट में बल्लेबाजी को अधिक समय और गति की आवश्यकता है। वैसे भी 2022 और 23 के बीच भारत को 2 वर्ल्ड कप, वनडे और T20 वर्ल्ड कप खेलने हैं। ऐसे में यह भी जरूरी हो जाता है कि उनमें फ्रेशनेस बनी रहे। BCCI से लंबी चर्चा के बाद कप्तान बनने के लिए रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे है। यह चर्चा इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया की जीत के बाद से ही चल रही है। तो व्यूअर्स, क्या लगता है आपको, विराट कोहली को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? क्या रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाना चाहिए? अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं।